दिल्ली ने मचाई तबाही, आरसीबी को पिलाया पानी। आरसीबी की हार का गंभीर नवीन ने उड़ाया मजा। बल्लेबाजों ने की ऐसी कुटाई, गुस्से से लाल हुए मियां भाई। वार्नर और साल्ट को उंगली दिखाई। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 50वां मुकाबला आरसीबी और डीसी के बीच दिल्ली में खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी को एक बार फिर से विराट और फाफ डुप्लेसी ने तूफानी शुरुआत दी। विराट कोहली ने पहले दो ओवर में दो चौके जड़े। इसके साथ ही विराट आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को मिचेल मार्श ने डुप्लेसिस को आउट कर तोड़ दिया। उसके बाद अगली ही गेंद पर तूफानी बैटर ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर मिचेल मार्श ने आरसीबी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लेकिन उसके बाद महिपाल लॉन्गरोर आए और आते ही तूफानी अंदाज में बैटिंग करनी शुरू कर दी। लॉन्गरो ने विराट का बखूबी साथ दिया और दोनों की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवरों में 181 रन टांग दिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने इस सीजन में पहली बार बैटिंग में दम दिखाया। डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर डाली। इन दोनों ने 5 ओवर के अंदर ही 50 रन बोर्ड पर टांग दिए। इसी बीच सॉल्ट ने सिराज की गेंदों की जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद सिराज गुस्से से लाल हो गए और फिल सॉल्ट से भिड़ गए। लेकिन डेविड वार्नर ने जैसे तैसे करके मामला शांत करवाया। उसके बाद डेविड वार्नर को आउट कर हेजलवुड ने आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। लेकिन फिल सॉल्ट आज अलग ही मूड में थे। सिराज से लड़ाई के बाद सॉल्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर डाली। फिल सॉल्ट ने 45 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 87 रन कूट दिए। अपनी इस तूफानी पारी में सॉल्ट ने 8 चौके और 6 छक्के जड़े। उनके छक्कों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और सभी ने दिल खोलकर उनके लिए तालियां भी बजाई। उनकी इस जबरदस्त पारी के चलते दिल्ली ने आरसीबी के पहाड़ जैसे स्कोर को मात्र 17 ओवर में ही पार कर लिया। हालांकि मैच के बाद सॉल्ट और सिराज ने एक दूजे को गले भी लगाया। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली की गौतम गंभीर और नवीन उल हक से लड़ाई हुए करीब 6 दिन बीत चुके हैं, मगर यह मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामला अगर शांत भी हो रहा होता है तो कोई ना कोई चिंगारी लगा ही देता है। अब नवीन उल हक ने गौतम गंभीर के साथ अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और उसके साथ दो लाइन का कैप्शन भी लिखा। इतना ही नहीं, गंभीर ने भी उनकी पोस्ट पर तेजी से जवाब दिया और ये सब उस समय हुआ जब दूसरी तरफ दिल्ली में विराट कोहली से सजी आरसीबी हार ही गई थी। मैच बस खत्म होने वाला था। इसी बीच नवीन ने लिखा कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। लोगों से उसी तरह से बात करें जैसे आप बोर्ड से बात करना चाहते हैं। नवीन की इस पोस्ट पर गंभीर ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि जैसे हो वैसे रहो, कभी मत बदलो। तभी नवीन ने गंभीर को रिप्लाई करते हुए कहा कि 100% सर, मैं नहीं बदलने वाला। दोनों की सोशल मीडिया पर ये बातचीत दिल्ली में कोहली की हार के समय ही हुई। अब फिर से दोनों ने इस लड़ाई में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गंभीर और नवीन ने आरसीबी की हार पर अब जो बातें कही है क्या वो सही है? क्या वो अब जानबूझकर लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।